आज हमने बनाया है घर पे मटर पनीर, वो भी शाही मटर पनीर जो शादियों में सर्व होता है। तो अगर आपको भी ऐसा ही मटर पनीर घर पे बनाना है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मटर पनीर बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 4 बड़े प्याज, लंबा काट लिया है, और 5-6 हमें टमाटर चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने रिफाइंड ऑयल ले लेना है। तो रिफाइंड अब गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को चटकने देते हैं। ज़ीरा भुन चुका है, अब डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना। प्याज अच्छी तरह से अब गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसी स्टेज पे हमने टमाटर डाल देना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनेंगे टमाटर डाल के। अब टमाटर भी भून चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब इस मसाले को रूम टेम्परेचर तक हमने ठंडा कर लेना है। बहुत ही क्रीमी मटर पनीर की सब्जी। इस मसाले को अब हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे, ताकि मिक्सी हमारी ख़राब नहीं हो जाए। अब ठंडा हो चुका है, अब इसको हमने मिक्सिंग बाउल में डाल के पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट बन चुका है। तो इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ले लेना है, थोड़ा सा। सबसे पहले हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब जो पेस्ट बनाया हमने सब्जी का, लहसुन प्याज और टमाटर का, इसको डाल देंगे। बस अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ग्रेवी को इस तरह से अब भूनते हैं तो बहुत कम समय लगता है, क्योंकि आधा प्याज और टमाटर तो हमने पहले ही भून लिया होता है, तो उसका कच्चापन तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हलवाई भी इसी तरह से ये सब्ज़ी तैयार करते हैं, इसीलिए वो इतनी टेस्टी बनती हैं। अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसको भूनते रहेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, साइड पे अब देखिए ये तेल है वो साइड पे आने शुरू हो चुका है, इसका मतलब है मसाला हमारा कच्चा नहीं रह गया है, अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसको हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि जो मटर हैं वो कढ़ाही में कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी कढ़ाही का मसाला है वो कुकर में ट्रांसफ़र करके उसको एक विसल दिलवा देंगे, उसी के साथ ही हमारे मटर भी पक जाएंगे और मसाले का भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसकी खुशबू आने लग जाएगी। अभी इसको 1-2 मिनट तक और पकाते हैं। अब अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसको हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर लेना है। सबसे पहले हम कुकर में 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे। अब फ्लेवर के लिए हमने देगी मिर्च डालनी है थोड़ी सी, 1/2 चम्मच के करीब। इसे मटर पनीर का जो कलर है बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब मसाला डाल देंगे, इसमें हमने मटर डाल देना है। मटर डाल के हमने इसको एक विसल लगवा देनी है। बाद में शाही पनीर जो पनीर है सॉरी वो आप कच्चा भी इसमें काट के डाल सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करके ब्राउन करके भी आप उसको डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन इसको सबसे पहले हमने मटर को पकाना वो ज़रूरी है, मटर अगर कच्चे रह जाते हैं तो वो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए इसको अभी कुकर को हमने बंद कर देना है। अब इसको हमने 2 विसलें लगवा लेनी है। तो कुकर को 2 विसल आ चुकी है, गैस को कर देंगे बंद। मटर पनीर हो चुका है रेडी, बिल्कुल
शाही मटर पनीर जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारा ये मटर पनीर बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।